सब्सक्राइब करें मेरे चैनल ड्राइंग स्टडी को और बेल के आइकन को दबा दें, साथ ही ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। सभी को मेरा राम राम। आज हम स्केल ड्राइंग में स्केल नंबर 22 की कागज बाट करेंगे। इसकी लेंथ है 152 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 90 सेंटीमीटर और हाइट है 105 सेंटीमीटर। इसको बनाने के लिए फुट्टा यूज होगा, वो होगा 1.10 सेंटीमीटर। तो हमने क्या करना है, कागज बांट करने के लिए सबसे पहले हमने हाशिया लगाना है, वो हमने लगा दिया है। तो हमने क्या करना है, यहाँ से इसको हमने रखना है लेंथ की साइड और लेफ्ट साइड से हमने लेना है ब्रेथ और लेंथ जोड़ करके हमारी आ रही है 242। तो हमने 242 सेंटीमीटर काटना है यहाँ पे। तो ये 200 है, ये हमारा है 250, ये है हमारा 40 और 242। इस तरह से बची हुई शीट के हमने बराबर तीन भाग करने हैं। तो यहाँ से हमने न्यून कोण लेना है, इस तरह से, और हमने इसमें तीन निशान लगाने अपनी मर्जी से प्रकार खोल के। एक, दो और तीन, इस तरह से हम इसमें लिख देंगे। एक दो तीन, जीरो हम यहाँ लगा देते हैं। हमने इसको लास्ट पॉइंट के साथ मिलाना है तीन को यहां से, इस तरह से, और ये है हमारा दो, इसके समानांतर रेखा लेंगे हम एक से, इस तरह से आप देख सकते हैं। आप चाहो तो इसको नाप सकते हैं यहां से प्रकार खोल के, एक दो और तीन, बिल्कुल बराबर है। इसी तरह से आपने यहाँ से एक भाग यहाँ हम छोड़ देंगे, यहाँ देख सकते हैं इस तरह से। और अब हमने छोड़नी है इसमें लेंथ, और लेंथ इसकी है 152 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से हमने 152 या 50 और 52, फिर हमने एक भाग इसमें काटना है, यहाँ से एक भाग का निशान लगा देंगे। और इसके बाद हमने लेनी है ब्रेथ, और ब्रेथ इसकी है 90 सेंटीमीटर। तो ये आप देख सकते हैं 90 सेंटीमीटर है, ये 100 और 10 ये घटा दिया हमने, तो 90 50 60 70 80 90 ये बिल्कुल बराबर आ रहा है। तो यहाँ हमने नीचे भी इसी तरह से हमने यहाँ पे पहले हम एक भाग काट देंगे इस तरह से। अब हम काटेंगे यहाँ से इसकी लेंथ जो कि है 152 सेंटीमीटर, ये हमारी आगे 152 सेंटीमीटर है। इसके बाद हम लेंगे एक भाग और अब हम काटेंगे इसमें इसकी ब्रेथ, ब्रेथ हमारी है 90 सेंटीमीटर, यहाँ से 90 सेंटीमीटर, एक भाग हमारा जो हो बच जाएगा अपने आप यहाँ पे। आप देख सकते हैं बिल्कुल बराबर हमारा एक भाग बचा हुआ है। हमने इन लाइनों को मिला देना है आपस में, यहाँ से हल्का अभी हम इनको मिलाएंगे, इस तरह से। हमने हाइट की साइड इसको डिवाइड करना है, तो हमने हाइट और ब्रेथ को जोड़ना है। तो हाइट और ब्रेथ जोड़ के है 195 आ रही है। तो यहाँ से हमने ये आपका 90 और 5 95 हम काट देते हैं यहाँ पे। बची हुई शीट के हमने बराबर पांच भाग करने हैं। तो यहाँ से हम एक न्यून कोण बना लेते हैं इस तरह से, और हमने प्रकार खोल के इसमें बराबर पांच निशान हमने लगाने हैं इस लाइन पे, एक दो
तीन, चार, पांच, इस तरह से। अब हम इसको मिला देते हैं लास्ट पॉइंट को, ये हमारा है एक दो तीन चार पांच, पांच को हमने मिलाना है यहाँ पे, इस तरह से हमारा आ जाएगा एक पांच, पांच का समानांतर हमने रेखा लेनी है चार, तीन, दो और एक, इस तरह से। अब हमने दो भाग जितनी प्रकार खोलनी है, आप देख सकते हैं जितने हमारे दो भाग इतने हमने प्रकार खोल दी है, और हमने यहाँ से ऊपर से दो भाग जितने प्रकार खोल के हमने निशान लगा देना है। इसके बाद हमने लेनी है इसकी हाइट, और हाइट है 105 सेंटीमीटर, तो यहाँ से हम काट देंगे 105 सेंटीमीटर, इसमें ये हमारा 105। इसके बाद हमने एक भाग जितने प्रकार खोलनी है, ये हमारा एक भाग है, इतनी प्रकार खोल के हमें यहाँ पे निशान लगा देना है। इसके बाद हम लेंगे ब्रेथ, और ब्रेथ हमारी है 90 सेंटीमीटर, तो यहाँ से हम 90 सेंटीमीटर काट देंगे। ये देख सकते हैं यहाँ पे ये आ रहा है, और दो भाग हमारे बच जाते हैं। अब हमने क्या करना है, दूसरी साड़ी हम इसी तरह से पहले जितने हमने यहाँ भाग छोड़ा है, आप देख सकते हैं इतना निशान हम यहाँ लगा देंगे इस तरह से। फिर हम काटेंगे यहाँ से इसकी हाइट, हाइट है 105 सेंटीमीटर, तो 105। और अब हम काटेंगे इसकी दूसरा भाग, एक ही भाग जो यहाँ है ये हम यहाँ काट देंगे, और इसके बाद हम काटेंगे इसकी ब्रेथ, ब्रेथ है 90 सेंटीमीटर, यहाँ से ये हम काट देंगे 90 सेंटीमीटर। दो भाग हमारे इसमें बच जाएंगे, और हमने ऊपर इसमें लाइन लगानी है यहाँ पे, ये हम लाइन लगाएंगे यहाँ तक और यहाँ तक, यहाँ हल्की सी लाइन आगे लगा देंगे ताकि हम इसमें हाइट इसकी लिख सकें, और यहाँ से तीसरी दूसरी जो हम लाइन लगाएंगे, ये लाइन हम लगाएंगे पूरी, क्योंकि ये आधा रेखा होती है, और उसके बाद इस तरह से यहाँ हम सिर्फ खाली निशान लगाएंगे, और हम यहाँ पे इसको तिरछा मिला देंगे इस तरह से, और जो हमारी लाइनें फीकी लगी हुई है इनको हम डार्क कर देंगे, फालतू लाइनें हैं इनको हम मिटा देंगे। यहाँ पे हम इसमें लाइन लगा देंगे एक लाइन, हम यहाँ भी लगा देंगे नीचे इसमें, या हम इसमें लिखेंगे एक्स वाई लाइन, और यहाँ पे हम लिखेंगे इसकी हाइट, इसकी हाइट है 105 सेंटीमीटर, इसकी ब्रेथ है 90 सेंटीमीटर, और इसकी लेंथ है 152 सेंटीमीटर, इस तरह से।
हम इसमें इसकी मेजरमेंट कर देंगे। यहां हम लिखेंगे इसमें एलिवेशन साइट प्लान और प्रोजेक्शन। यहां हम लिखेंगे इसमें स्केल नंबर, इसमें हमने जो फुटा यूज किया है वो 1.10 सेंटीमीटर है और यहां हमने इसमें स्केल बना भी देना है। ये स्केल है हमारी 22 स्केल नंबर है, तो 22 स्केल नंबर की हमने कागज बाट कर दी है। इसी तरह से आपने भी सफाई के साथ इसकी कागज बाट करनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल ड्राइंग स्टडी।